हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर पैनासोनिक का नेटवर्क कैमरा, जिसे आईपी कैमरा भी आम भाषा में बात करते हैं बोलते हैं हम लोग, तो अगर वो लॉक हो जाता है उसका पासवर्ड, तो पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैं लॉगिन किया, इन्होंने लिख दिया क्या, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड वन टाइम अटेम्प्ट। ठीक है, फिर से दोबारा लॉगिन करते हैं तो ये लिख दिए कि द अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड। ठीक है, टू अनलॉक टाइम्स 300 सेकेंड वेट कीजिए। ठीक है, फिर दोबारा से पासवर्ड डालिएगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली कैमरा को रिसेट कर सकते हैं। अभी जो मैंने मॉडल लिया है वो मॉडल है आपका PI-SPW-203JL और दूसरा आपका मॉडल है SFW-202L। ये दोनों का सेम प्रोसेस है आपका पासवर्ड रिसेट करने का। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये तो आपका कैमरा ऐसे आपको लगा हुआ आता है ये, ठीक है, और इसके ऊपर ये आपको चिपका हुआ रहता है। इसको आप हल्की सी नाइफ या ट्यूज़र वगैरह यूज़ कर करके आराम से इसे निकाल करके, ठीक है, इसके अंदर स्क्रू रहता है, स्क्रू खोलने के बाद इसे ऐसे रखेंगे और आईपी आप पिंग करवा दीजिएगा यहाँ पर, जो कैमरे का आईपी होगा। ठीक है, अभी कैमरे का आईपी है इसका PING ping 192.168.0.10। ये पिंग होना शुरू हो गया आपका। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम इसे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए ये देखिए, आपको इस पीसीबी को आप चारों ओर घुमाएंगे तो आपको ये दो होल दिखेगा। ये देखिए, ये जो आप जो होल देख रहे हैं ये दो होल। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाहूँगा ये कि अगर आपको डाउट है, आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा है, तो इसमें बहुत सारा होल्स होते हैं। ठीक है, इधर भी आप देखिए इस साइड में चार हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो को आप इसे यूज़ ना करेंगे, अदरवाइज़ ये कैमरा बंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मुझे, ये मुझे पता है तो मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट है, करना है इसको, इसको आप इसको शॉर्ट करेंगे। ये मैंने लगा दिया, अभी मैंने ये ट्यूज़र यूज़ किया है। ठीक है, आप चाहें तो आप हार्डवायर का एलुमिनियम वायर या कॉपर वायर से भी यूज कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे, ये देखिए, ये जो आपका RTO आ गया, डैट मीन्स कि ये रिसेट हो गया आपका। अब ये RTO चलेगा, रजिस्ट्रेशन हो चलेगा, ये दोबारा से होना पिंग हो गया, इट मीन्स कि ये रिसेट हो गया आपका। ठीक है, अगर आपका IP अभी ये 0.10 है, जो बाई डिफ़ॉल्ट कैमरे का IP है। ठीक है, अगर ये कोई भी किसी सीरीज में रहेगा और अगर आप रिसेट करते हैं तो ये जो पिंग हो रहा है ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, वो दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग में जो आईपी कैमरा देती है कंपनी, ये इसका आईपी है कैमरे का, उस स्टेज में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अब दूसरा मैं प्रोसेस बताता हूँ आपका कि डोम में कैसे करते हैं। डोम में भी प्रोसेस आपका सेम है, बशर्ते ये नॉर्मली ऐसे रहता है लगा हुआ, तो जब खोलेंगे तो ये अभी ऐसा रहेगा, इसके ऊपर फिर आपको ये इस तरह से रहता है ये, इसका फिर ये नट खोलना पड़ेगा आपको, स्क्रू खोलने के बाद आपको ये देखिए ये ऐसा PCB होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इधर देखना पड़ेगा इसमें दो दो होल कहाँ हैं। इस साइड देखिए चार होल हैं, इसे आपको नहीं करना है, इसमें सिर्फ यहाँ पे दो होल दिया हुआ है, ये छोटा वाला, तो ये आपको इसी तरह से ट्यूजर की मदद से या फिर हार्डवेयर वगैरह जो मैंने बताया आपको एलुमिनियम, उस हिसाब से आपको करना है। प्रोसेस आपका सेम है, IP आप पिंग करवाएंगे एक बार, जो भी आपको IP पता है। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कम से कम पावर इसे ऑन रखेंगे। ठीक है, और इसको कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए एज इट इज़ रखेंगे, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP आया कि नहीं। इन केस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तब आप ये चीज़ें कीजिएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस से भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको है कि कन्फर्म मिल जाता है, आपको कन्फर्मेशन हो जाता है कि IP आपका रिसेट हो गया है। तो ये था हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब